हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग सीक्रेट्स वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो uh, का थोड़ा सा एक ब्रीफ uh, uh, बताऊंगा थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा उसके ऊपर एंड uh, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि जब मैंने अपना वीडियो डाला था ट्रेडिंग वर्सेज वैल्यू इन्वेस्टिंग तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं हाउ डू यू डू इट सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस सो दिस इज़ माई होल्डिंग्स राइट नाउ सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं मैंने दिसंबर पीएनएल डाला एंड देन मैंने अभी ईयरली पीएनएल का वीडियो डाला है तो पीपल डू नॉट वॉच द वीडियो वो आप दस दस बीस बीस सेकंड करके ऐसे बढ़ाकर देख लेंगे कि भाई इसका कितना प्रॉफिट हुआ बस वो देख के आप निकल लेते हैं उसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैंने फंड्स कितना यूज किया है मैंने कितने से स्टार्ट किया था मैंने कितना ऐड किया है हाउ मच परसेंट आई हैव मेड आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग इन माय ईयरली पीएनएल एंड दिसंबर पीएनएल वीडियो बट पीपल हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो प्रोपरली एंड देन वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं फंड कितना है कितना ईयरली प्रोफिट कमाया है क्या है सो दैट इज वाई एम रिक्वेस्टिंग यू ओवर एंड अगेन की प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड बिलीव यू मी इफ यू वॉच दिस वीडियो जितने भी आपके वैल्यू इन्वेस्टिंग के डाउट्स हैं वो भी आपके काफी सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है इसका रीजन ये है बिकॉज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट जस्ट फॉलोइंग व्हाट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर एंड जस्ट एडजोइनिंग द डॉट्स ओके एंड बिफोर वी स्टार्ट देयर इज वन मोर डिस्क्लेमर दैट इन एनी केस सिनेरियो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे

i have invested uh, in those stocks and most of the stocks uh, are have already bypassed their buying levels so uh, please do not consider it as an investment opportunity please do not see it as an investment opportunity and uh, always uh, always uh, take consultation from your financial advisor before investing into the securities market okay so again disclaimer please do not uh, think it as an investment advice so this is my holdings portfolio and uh, एंड दिस इज माई एंटर पोर्टफोलियो दिस इज या बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट टेल यू काफी सारे टाइप के लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं पता है एंड देखने हमको बेवकूफ बना दिया सो दिस इज वॉट एज एड एम टू नाइन दिस इज नॉट माई मेन मेन डीमेट अकाउंट दिस इज माई सेकेंड डीमेट अकाउंट एंड इस डीमेट अकाउंट इस वीडियो में अगर आप uh, मेरे को अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे आई एम एक्सपेक्टिंग अ व्यू ऑफ मोर देन ज माई अदर डीमेट अकाउंट का पोर्टफोलियो दिसम टू नाइन एट अगेन ओके सो दिस इज द सेम थिंग ओके सो डो नॉट थिंक की मैं दूसरा दिखा रहा हूं या कुछ कर रहा हूं ओके सो दिस इज द अमाउंट दट आई हेव इन्वेस्टेड राइट नाउ एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू आई एम होल्डिंग राइट नाउ सो एज ऑफ नाउ आएम हैविंग अयरली अबाउट थर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का

या yeah, ये देखिए मैंने इनफैक्ट ये कौन सी डेट है या yeah, मैंने टेंथ अक्टूबर से इस इस मेट अकाउंट में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना सितंबर अगस्त जुलाई जून ऑल आर एम्प्टी सो आई हैव नॉट स्टार्टेड स्टार्टेड आई फ्रॉम हियर ओनली ठीक है एंड उस टाइम पर मेरा कैपिटल वाज टू लेस सो इतना ज्यादा मेरे पास पैसा भी नहीं था एंड इक्विटी में आई हैड स्टार्टेड इन सेप्टेम्बर एंड ये केवल टू फिफ्टी का एक छोटा सा एक स्टॉक का मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था संबड़ी वुड भी देर या मैंने गिफ्ट स्टॉक किया था एंड दिस इज वन

आप लोगों ने मेरा ट्रेडिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दैट यूल टू नो वॉट इज डिफरेंस बिटवीन वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ ऑगमेंटेशन जो मैंने आप लोगों को ईयरली पी एन एल डाला था दैट वॉज माई वेल्थ ऑगमेंटेशन दिस इज माई वेल्थ क्रिएशन थर्टी फाइव परसेंट मेरा वेल्थ जो है इस साल में बड़ा है ओके बड़ा बहुत ज्यादा है बट

जब मैंने अपना ट्रेडिंग सीक्रेट्स चैनल स्टार्ट किया था दिस इज माई ट्रेडिंग सीक्रेट्स इफ यू गाइज है इट बिकॉज इसमें जितने भी लेवल्स होते हैं मेजर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट वगैरह होते हैं वो सारे मैं इसमें इस देता रहता हूं ओके सो आई स्टार्टेड माई डीमेट दिस ट्रेडिंग सीक्रेट्स चैनल इन जनवरी सेवेंथ जनवरी ओके सो इन दिस

उस टाइम पर उस टाइम पर एंजल जो निफ्टी था निफ्टी का जो लॉट साइज था दैट लोग पहले डेढ़ लाख में सेवेंटी फाइव लेते थे अब एक लाख में पचास लेने लगे सो जाहिर सी बात है जो अब पिचहत्तर लेगा या सौ लेगा ही हैज टू पे दार्जेस एफ एन चार्जेस डबल टू द ब्रोकरेज हाउस सेम थिंग इज गोन विद Bank Nifty also. So, इनके जो क्लाइंट बेस हो हो होता था क्लाइंट बेस एक्सिशन जो है वो बहुत ज्यादा है देखिए एक सिंपल सी बात है एक क्लासरूम क्लासरूम में इस साल में केवल तीस बच्चे नेक्स्ट ईयर उस क्लासरूम में अगर पचास बच्चे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी है जो स्कूल है उसको पचास बच्चों की फीस मिलेगी तो तीस बच्चों की फीस से ज्यादा होगी पचास बच्चों की फीस तो जाहिर सी बात है इसका जो रेवेन्यू होगा वो क्या हुआ वो ग्रो हो गया ठीक है रेवेन्यू ग्रो हो गया थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा बट जो रेवेन्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा उससे तो बहुत ज्यादा होगा सो द सेम थिंग वॉज गोइंग विद एंजल वन ऑल्सो बिकॉज एंजल वन का क्लाइंट एक्विजिशन जो है दैट वॉज डूइंग अ गुड ये आपको हर मंथली मिल जाएगा आप एन एस सी की वेबसाइट पर भी जाएंगे इनका क्लाइंट एक्विजिशन हो रहा है एंड इनकी जो बैलेंस शीट थी दैट वाज आल्सो गुड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग नाइस एंड शाइन सो दैट इज द रीजन आई आई पिक दिस स्टॉक एंजल वन इन वे बैक ओके सो दैट टाइम ऑल्सो आई सेट दैट

Nifty and bank nifty. कि मैंने बताया, से पचास हुआ एंड पच्चीस से पंद्रह सो इट इज ऑलरेडी गार्ड मीयर रिटर्नियरली अब यू कैन थिंक नाउ एज ऑफ नाउ लाइक ए सेट दैट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सो आई डू नॉट बिलीव इन बुकिंग प्रॉफिट बिकॉज देर इज अ थियोरी ऑफ अ

ट रिड ऑफ दिस इमीजियंसी फैक्टर सो जब भी कभी मुझे प्रॉफिट होता है आई आई प्रेफर नॉट टू सी दैट स्टॉक फॉर अ वाइल और नॉट टू सी माई पोर्टफोलियो बिकॉज इट विल गिव मी एन इंडिकेशन और एन इंक्लिनेशन इन फैक्ट टू सेल दैट स्टॉक टू टेक दिस प्रोफिट एज सुन एज पॉसिबल सो आई डो नॉट डू दैट सो इट टेक्स इट टेक ह्यूज लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू गेट रिड ऑफ दिस इमीजियंसी फैक्टर सो दैट इज द रीजन वाई आई टू एंजल वन Yeah, and second one is yeah. These are the stocks which have already converted one year. Angel one has not even touched one year. So, ये मैंने आठ या दस के आसपास लिया होगा. Maybe I don't know. दस January last year. So that is why it has not done. Karnataka Bank भी almost होने वाला है. Birla Soft is also okay. We'll come to that. So next is Bell. Bell में क्या था? Bell has given a huge breakout at seventy six level and मेरा जो trading secret channel है उस पे भी मैंने ये uh, B H E L ने काफी अच्छा एक chart pattern बनाया था and उस पे काफी अच्छा एक breakout दिया था. Again, a disclaimer: I do not recommend to buy, sell, or hold any stock because I am not a SEBI registered investment advisor. The only thing what I tell my students and teach my students is the chart patterns, and for that I do not take any fees or any consideration, which mandated, which has been mandated by the SEBI regulations, Investment Advisor 2030. So I do it in a general uh, trend and uh, general faith. Okay, so.

सो दैट इज वायर आई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट येस ऑफकोर्स आई स्टडीड आई नो वेरी वेल अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड इसमें काफी सारे इनका एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका एक uh, वो था रेलवेज uh, में इन्होंने काफी अच्छा ऑर्डर बुक है इनकी दे हैव अ ह्यूज ऑर्डर बुक इनके काफी मल्टी फैसेड इंडस्ट्री एप्लीकेशन है जिनको दे आर वर्किंग अपॉन ऑन हैवी इंडस्ट्री कोर्स दे आर गोइंग इन टू द डिफेंस सेक्टर ऑल्सो सो एज अ पी एस यू सेक्टर थीम जो है जो चल रहा था मेक इन इंडिया भारत uh, का जो uh, चल रहा था उसके बेसिस पर भैल वॉज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सो दैट इज द रीजन वाई आई वॉज आई वॉज फॉलोइंग भैल एंड एज पर द बैलेंस शीट देर वॉज ह्यूज ऑर्डर बुक पेंडिंग इन दिस स्टॉक एंड जब वो ऑर्डर बुक Uh, हो जाएगा काम उसका खत्म हो जाएगा वेन इट विल बी इसका जो मार्केट कैप गोइंग टू इंक्रीज उसकी बेसिस पे क्या होगा इसके अंदर जो एबिट्टा है और जो इसका रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड जब एबिट्टा एंड रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका जो अर्निंग्स पर शेयर है उसके ऊपर भी काफी फर्क आएगा सो दैट इज दीज आर दिमाइसिस विच आई वॉज कंसिडरिंग पीएसयू Under the Make in India chart, and because it is having a huge order book from railways, defense, and other sectors as well. So that is why uh, I have considered Bell and I'm <clears throat> and it is still going good and it has touched nearly about 204 levels as well. Coming on to Tata Power. Why I picked Tata Power? Because Tata Power ne ek ta, jo Low Tha wo Touch tha and nearly about mm, 210. 210 ya, 220. या व्हाट इज माय या 221 इन्होंने 226 के आसपास इन्होंने काफी अच्छा अपना एक लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो होता है उसका ब्रेकआउट दिया था सो दिस ब्रेकआउट आई शेयर्ड ऑन माय चैनल आल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये ब्रेकआउट जब मैंने uh, देखा था तो उस टाइम उससे पहले भी आई वाज फॉलोइंग दिस स्टॉक एंड दिस स्टॉक वाज पॉइज्ड फॉर अ गुड गुड ट्रैक रीजन बीइंग बिकॉज़ जो पावर टैरिफ है दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय गवर्नमेंट ठीक है एंड जब भी कोई समर सीजन आता है तो समर सीजन के टाइम पर क्या होता है जो भी आपका कोल बेस्ड प्लांट्स होते हैं तो कोल का सप्लाई जो है दैट बिकम्स अ बिट शॉर्टेज सो उस टाइम पर जो पावर होता है पावर का रिक्वायरमेंट बहुत पीक हो जाता है सो so, उसकी वजह से क्या होता है जो पावर टैरिफ होता है उसके पावर टैरिफ जो है गवर्नमेंट इंक्रीज करने इंक्रीज करने के उसके चांसेस थे तो उसका जो रिजल्ट है दैट हैज फॉल सीन इन द क्वार्टर थ्री ऑफ द क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री जो है फॉर्म का उसकी बैलेंस शीट में इसको देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट दिस स्टॉक इज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट इज वेज एंड मीन इन रेनुएबल एनर्जी एंड ये ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है रेनुएबल सेक्टर में काफी ज्यादा इम्पेटस इसका है एंड ऑफकोर्स इट इज अ टाटा सेक्टर सो इट इज अ सेफेस्ट बेट ऑल्सो ना अपार्ट फ्रॉम दिस टाटा पावर जो है इसका अभी एज ऑफ नाउ दे आर होल्डिंग नियरली अबाउट फाइव पॉइंट फाइव गीगा वॉट का जो इनका पावर ट्रांसमिशन का प्लांट है दे आर होल्डिंग दिस लेवल एंड एज पर देयर कंपनी फोरकास्ट जो इनके बैलेंस शीट रिलीज हुई थी क्वार्टर टू में उसमें था दे आर एक्सपेक्टिंग बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन दे आर ट्राइंग टू डू इट फोर टाइम्स फोर एक्स दे आर ट्राइंग टू मेक इट फोर एक्स क्या करने वाले हैं दे आर एक्सपेक्टिंग दैट रेवेन्यू जो है वो फोर टाइम्स बढ़ने वाला है एंड जो एबिटा है वो भी फोर टाइम्स बढ़ने वाला है ठीक है जब रेवेन्यू और एबिटा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसके ईपीएस के ऊपर भी फर्क आएगा तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस एंड जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना अपार्ट फ्रॉम दिस वाई टाटा पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज ऑफ नाउ इन ट्वेंटी आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इंफ्रा एंड पावर सेक्टर्स इंफ्रा एंड पावर सेक्टर इज डूइंग इज कैन बी द सेक्टर ऑफ Uh, 2024 and the uh, power sector. Ke uper, I am planning to make a video and uh, soon I will be releasing a video as well. This is as per the national electricity plan, uh, which is uh, a government initiative which they have initiated. It is as per that. So I will be sharing that as well. Now, apart from this, startup power ka jo abhi present plan have 5.5 gigawatt ka, by 2030. They are expecting to increase it by four times, which is going to become 20 gigawatt. So जस्ट इमेजिन हाउ मच पावर ट्रांसमिशन हाउ मच हाउ मच गुड थिंग्स स्टार्टअपर इज ऑन टर्म्स ऑफ देयर के पैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटीज देयर रेवेन्यू इन नो टाइम द मोमेंट इट गेट्स ऑपरेटेड एंड जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है अपार्ट फ्रॉम दिस दिस कंपनी इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन रिन्एबल एनर्जी सेक्टर एज वेल ठीक है सो दीज आर द रीजन्स So that is why I took Tata Power. So uh, I always study about the fundamentals and I do uh, extensive research on stocks. And uh, whenever it gives a good breakout, that is the time I try to enter in the stock because I do not know till how long, till how long a stock is going to get consolidated within the range. Tata Power consolidated from 220 to 250 range for about two years. For about two years. Please see and please see the chart of these pattern okay so next is yeah before we begin uh, there is an again a disclaimer that these are all my personal uh, uh, research with respect to respective industries and respective companies and uh, i have studied about the fundamentals that is why i am able to uh, tell you all these things if anybody is having any contradictory view contradictory view by all means you may be right i am not saying that this is what is going to happen this is what i have studied okay and by, by no uh, means i am saying that uh, these are the investment opportunities not at all please do not consider it i am not a SEBI registered investment advisor this is only for your personal knowledge professional knowledge how i think of value investing this is what i am to try i am trying to teach you that's all ओके सर सो नेक्स्ट इज कर्नाटक बैंक कर्नाटक बैंक आल्सो गेव अ ब्रेकआउट नियरली अबाउट 132 लेवल्स इट वॉज ऑल्सो ह्यूज ब्रेकआउट जिसको कि मैंने अपने चैनल पे भी बताया था कि भाई ये इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है बट वेन आई गेव अ ब्रेकआउट इट इज नॉट एन इंडिकेशन दैट यू कैन बाय सेल और होल्ड बिकॉज आई ऑलवेज पुट अप अ डिस्कलेमर की सर दिस इज नॉट अ थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू हाउ द ब्रेकआउट पैटर्न वर्क And what is uh, which chart is giving a breakout pattern today? Which stock is giving a breakout pattern today? If you have not understood breakout patterns, please learn. That is what my all uh, all intention and uh, thing is that I want to motivate you to learn the chart patterns. That's all. So Karnataka Bank had also given a huge uh, breakout, nearly about one thirty two levels. And apart from this, Karnataka Bank has always always been a subdued uh, banking stock. And I knew that since Fed has already peaked. their rates from 5.25 to 5.5 percent. So I knew that uh, further rates may not be increased. Along with US CPI inflation was coming within the range. So it was a wild guess. Ki yes, ab Fed jo hai rates nahi badayenge. Agar rates nahi badayenge, to kya karenge? Same rakhenge ya fir lower karenge. अगर lower करा तो डेफिनेट सी बात है बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर सेम रहा तब भी बैंक्स के लिए अच्छा रहेगा बिकॉज जो बुरा होना था वो हो चुका उससे बुरा नहीं हो सकता सो दैट इज दिमाइसन सो दिसन बैंकेंट पोर्टफोलियो एज वेल सो दट इज अग बैक स्टोरी बिकॉज दिस इज अ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक साल पहले मैंने लिया था आई डोंट नो वेर इट इज टू डे इट इज अबाउट टू थर्टी सेवन इट इज अ टस्ट ऑफ नियरली अब सो दट इज वाई आई है because it was subdued. okay so yeah, birla soft. when I started my channel in uh, 23 uske shayad march ya april mein I said that 2023 ka sector would be IT. IT would be the sector which can give a boom in 2023. so जब अप्रैल uh, क्वार्टर में अप्रैल में जब Infosys का काफी बेकार result आया था that is the time सारे के सारे IT stocks जो थे वो बहुत बुरी तरह से गिर गए थे and after that IT index ने एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था एंड आफ्टर दैट ब्रेकआउट देर वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट यस बाकी सारे स्टॉक्स मे फॉलो एंड दैट इज द टाइम वेन आई बिरला बिरला सॉफ्ट सॉफ्ट टूक बिर्ला ह्यूज ब्रेकआउट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर आई टी सेक्टर टू गिव अ ब्रेकआउट सो आई टुक आई टी सेक्टर एंड बिरला सॉफ्ट में मेन रीजन ये था बिकॉज इट वॉज वर्किंग अपॉन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज कंसिडर्ड एज अ मे बी अ बूम फॉर द नेक्स्ट फ्यू फ्यूर्स Okay, so Birla soft. Uh, so that is the reason why I took it uh, artificial intelligence. And that is the time I said yes, IT sector is going to go boom. And Infosys that time I still remember was nearly about 1252. Presently it has touched 1530 levels. Okay, within a year. So since it is a large cap, it has not shown a major thing and Birla soft is a small cap, it has shown a <clears throat> huge rise yeah so few stocks uh, in angel one i have made nearly about 184 bell is nearly about 140 57% tata power is 54 karnataka bank is almost 80% birla soft is nearly about 113% okay so next is irfc this is indian railway finance corporation now like i said earlier that in 2024 infrastructure and power

shall be put on waiting list this is the kind of infrastructure push that government is trying to do in railways now agar aaj aap aaj ki date mein agar aap kisi uh, ट्रेन में टिकट लेने जा रहे हैं दो दिन के बाद की सो so, जाहिर सी बात है अगर आप स्लीपर में लेंगे तो you will definitely guess nearly about पांच हंड्रेड पांच सौ का वेटिंग लिस्ट 300 ले लेते हैं ऑन एवरेज। अपार्ट फ्रॉम दै ए में लेंगे तो यूटली गेट हंड्रेड काज नियरली अबाउट फाइव हंड्रेड वेटिंग लिस्ट जो है हर ट्रेन में रहती ही रहती है ना वॉट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज दैट दैट बाई ट्वेंटी थर्टी दे डू नॉट वॉन्ट एनी पर्सन टू बी विद द

augmented like anything and this is not what i am saying this is what government is saying that is how you have to find out whether railway infrastructure would be good or other infrastructure so that is the reason and other railway infrastructure may itna hone wala hai, toh, paisa dega? irfc it is the bank of

Uh, इसमें जब इसका जो जो सीईओ था वो चेंज हुआ था एंड आधार पूना वाला टुकअप सो so उसके बाद से इसमें काफी सारे रिफॉर्म्स आए थे एंड इसका जो डिसबर्समेंट है हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम पास टू इयर्स लाइक एनीथिंग दिस स्टॉक हैज ऑलरेडी रैली फ्रॉम थर्टी रुपीज टू 353 फिफ्टी आई टुक इट एंड दैट इज द टाइम वैन इट गेव अज ब्रेकआउट एट 350 के लेवल के आसपास एंड दैट इज द टाइम आई ऑल्सो गेव द सेम थिंग इन माई इन माई चैनल ऑल्सो that uh, today this stock has given a huge breakout from the levels presently it is at 458 and it's 52 week high jota that was nearly about 451 so this stock has already closed and given another breakout above the previous 52 week high levels okay so that is why i am invested in this stock because this stock uh, i was thinking that yes yeah, but it took too much of time to go but yes within a year it has given me a 30 percent of return that is more than enough for me दैट इज वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन वाला, बिकॉज वाला का जो है इट इज एन एन बी एफ सी लाइक दे है इन्वेस्टमेंट जो चीजें होती हैं उनमें दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड दे आर डिस्बर्सिंग लोन्स एट अ वेरी गुड रेट एंड इनका जो नेट परफॉर्मिंग एसेट है वो भी पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हुआ है सो इनका जो बैलेंस शीट है दैट इज ऑल्सो कमिंग राइट

so he has gone and participated in the event of vibrant gujarat so gsfc because it is a fertilizer company and fertilizer company they were getting a huge subsidy by the government in last 2023 to benefit the farmers because our this government was very much <clears throat> pro farmer so what they could do they could do they subsidized the fertilizer company so <clears throat> that is the reason i take uh, this fertilizer company i was waiting for a good breakout and it is a huge Dividend paying company as well, GSFC. So I take, uh, I took this uh, nearly about one eighty six level, and it gave a huge breakout at that point of time. And that is, this is also the stock which I gave. And uh, I studied the chart pattern, and I told my students also to study the chart pattern of this stock as well. Okay. So uh, that is the thing. So that is why I have taken uh, this stock, and since it is Gujarat, so that is why all the more reason to take it. Okay.

So by any means, there is no recommendation to buy, or sell any of the stock, which I am presenting you right now. Okay. <clears throat> New Gen -T, this stock uh, is an IT sector stock. Like I said, it is just like uh, Birla Soft. So after investing in uh, Birla Soft, I was waiting to uh, get invested in other stock. I had many other stocks on my mind, like Emphasis, then MassTech, then uh, TCS is a large cap. I never invest in this. Then I was having a CoForge.

to 2x the revenue what they have earned in quarter 2 of their 2023 so after seeing the balance sheet and everything so that is why that is the time when i uh, started tracking this stock and that is how i uh, got this stock so you could see that uh, yeah if okay we'll go ahead then

इनको ऑर्डर्स मिले होंगे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप सो दैट इज द मेन रीजन वाई आई टू किट सो इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेक एट टू लेवल्स सो दैट इज वाई आई हैम वेटिंग फॉर द रिजल्ट रिजल्ट मे बी ऑफ एनी साइड सो इट हैज ऑलरेडी गिवन अ गुड रन एज ऑफ नाउ इवन इफ रिजल्ट गुड सो इट है

इनके काफी अच्छे अच्छे काफी बड़े बड़े आ, वो हैं टाटा मोटर्स है देन उसके बाद इनके और भी काफी सारे जो आ, जिनको हाई प्रेशर सिलेंडर्स की जरूरत रहती है ये बॉटल नेकिंग है डी बॉटल नेकिंग का भी काम करते हैं सो वेन द कंपनी इज इंक्रीजिंग जाहिर सी बात है कि उनको इन चीजों की भी जरूरत रहेगी तो ये कौन सप्लाई करता है दिस ईकेसी इज सप्लाइंग सो दैट इज द रीजन व्हाई आई टूप दिस अपार्ट फ्रॉम दिस ये इनका एलपीजी जो है एलपीजी सिलेंडरिंग का भी काम है ठीक है एंड दे आर ट्राइंग टू इन्होंने अपना एक uh, इनका जो रेवेन्यू फोरकास्ट आया उसमें दे हैव सेट दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी ऑफ हाई प्रेशराइज्ड सिलेंडर सो जब कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर रेवेन्यू बढ़ेगा इनकी बाकी चीजें बढ़ेंगी सो दैट इज वाई हैव टेकन दिस स्टॉक ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन सिलेंडर का हाइड्रोजन का जो काम आने वाला है हाइड्रोजन एनर्जी में बूम आने वाला है उसके बेसिस पर भी आई है थिंग एजन इन दिस हाइड्रोजन सिलेंडर का भी इसमें uh, काफी इम्फेसिस uh, है एंड इट मे लेट सी नेक्स्ट इज आइडिया आइडिया आई हेव टेकन रिसेंटली एंड आई डो नोट नो वट इज गोइंग टू हैपन इन दिस स्टॉक बिकॉज इसमें एक न्यूज चल रहा था कि इलॉन मार्क्स स्टार लिंग इज गोइंग टू बाये इन दिस जिसकी वजह से सैबी ने इनकी कंपनी से भी पूछा था कि भाई देर इज अज गोइंग ऑन वेर एंड विच इज संगट स्टार लिंग इज गोइंग टू बाये इन बोर्डोन आइडिया इज अ ट्रू और राइट और रॉन्ग वट एवर इट इज सो आइडिया देर इज नोइंगन सो आई हैव नॉटन इट बिकॉज ऑफ दीज स्टॉक्स उटर्न के बेसिस पर फाइव जी के आने की वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रम है फाइव जी स्पेक्ट्रम के अंदर दे आर ऑल्सो बीडिंग एंड इनका जोस्क्राइबर बेस है पिछले क्वार्टर में काफी गिर चुका है बट आई एम एक्सपेक्टिंग की ये सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर बेसिया कि इनका जो सब्सक्राइबर बेस है ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज एज ऑफ नाउ मार्केट में केवल दो तो है एयरटेल एंड जियो सो इनके ही ऊपर सब कुछ टिका हुआ है सो वोडाफोन आइडिया कैन बी द नेक्स्ट दिस थिंग एंड सिंस मेनी फॉरिन प्लेयर्स लाइक दीज आर ट्राइंग टू एंटर इन द इंडियन बूमिंग मार्केट विच इज एक्सपेक्टिंग टू मेक डॉलर सेवन ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी बाय ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी फोर्टी सेवन सो दिस दिस सेक्टर जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इट इज प्रेजेंटली बींग डोमिनेटेड ओनली बाई टू पर्सन सो अगर किसी को आना है बाहर से एंड इस सेक्टर में एंटर करे करने के उसके काफी सारे चांसेस बनते हैं सो दैट द रीजन आई टुक दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस ब्रेकआउट पैटर्न

सी देयर फोरकास्ट कि उनका फोरकास्ट क्या है वो फ्यूचर में क्या करने वाले वॉट आर दे गोइंग टू डू इन फ्यूचर सो अगर उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज ब्राइट दैट इज द टाइम आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टिंग बट रिमेंबर वन थिंग विद डेली न्यूज इन मार्केट डेली न्यूज़ मार्केट जो भी फ्लोट होती है आई डोंट नो कि किसी भी स्टॉक की कल को क्या न्यूज आ जाएगी दैट में इम्पैक्ट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दैट कंपनी इट मे डीले जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू केपेक्स के थ्रू उनका अपना कैपेसिटी uh, एक्सपेंशन का प्लान है ठीक है वो अगर डिले हो गया तो फर्क पड़ेगा, उसके पड़ेगा।, प्राइस के पड़ेगा। so में, day, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बढ़िया आज ही उठा लेता हूं दस हजार क्वांटिटी अरे अगर कल को को कोई डेली न्यूज गई अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जितने भी प्लाईवुड वगैरह है जितने भी एमडीएफ बन रहे हैं मैनुफेक्चर हो रहे हैं उन सबका रेट बहुत ज्यादा है इनके ऊपर सब्सिडी हटा दो और इनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट वो लगा दो जो भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो बजट में आ गया तब क्या करोगे डूब जाएगा दो मिनट के अंदर उससे क्या होगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डीले हो जाएगा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डीले हो जाएगा रेवेन्यू और इबिटा गिर जाएगा बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है उन्होंने पैसा ऑलरेडी लगा दिया है ठीक है कैपेसिटी बढ़ेगी बट टैक्स की वजह से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है न्यूज है उसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हो जाएगा वाई बिकॉज एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा दिस जीएसटी विल इंक्रीज सो दैट इज जितने भी स्टॉक्स हैं डू नॉट थिंक कि दे आर दिस दिस एट लेवल इट इज रेडी टू बाय दे हैव ऑलरेडी पास दैट लेवल ठीक है देर इज अ पॉसिबिलिटी इफ टुमोरो कम्स दिस काइंड ऑफ न्यूज कोई भी न्यूज आती है विच इज अगेंस्ट एनी स्टॉक इट्स नॉट दैट आई हैव सेड दैट यस आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड आई एम गोइंग टू होल्ड दीज स्टॉक्स फॉर एटर्निटी नो

so remember this thing just because i am showing that does not mean that these are the recommendations i'm saying it again again a disclaimer these are not recommendations to buy sell or hold any of the stock okay so apart from this uh, i have taken chambal fertilizer chambal fertilizer is fertilizer company and it is big because, because last year there was a subsidy that was extended by the government to the fertilizer companies in fact chambal fertilizer got more than 50% revenue last year jo hai, that has come from the government subsidies so in this year also i am expecting that budget may दे मे एक्सटेंड दीज सब्सिडाइजर फेस सब्सिडी टू द फर्टिलाइजर कंपनीज ठीक है सो लेट सी हाउ बजट वर्क आउट फॉर दीस काइंड ऑफ थिंग्स बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई आर कॉन इंडियन रेलवे दिस अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने एक डायवेस्टमेंट किया है डायवेस्टमेंट में मुझे ऑफर फॉर सेल किया था थ्रू डायवेस्टमेंट सो so, उसके थ्रू आई है स्टॉक <clears throat> I bought this stock, uh, this thing. So main reason why IR कौन? जैसे कि मैंने बताया Indian Railway. I am uh, Indian Railway में I am, uh, I am a about uh, I am a bit bullish because railway sector जो है railway infra जो है वो काफी अच्छा एक push होने वाला है. Now like I said that railway infra में push होने वाला है. अगर कल को एक news आ जाती है कि भाई <coughs> railway में जितना भी uh, investment होने वाला था, divestment जो था, uh, not divestment. कि जितना भी रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला था अगर बजट में पिछले साल से अगर वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेस अमाउंट एलोकेट कर देते सो व्हाट डज इट दैट मीन इट मींस कि इंडियन रेलवे पिछली साल जो विजन था दैट विजन हैज बीन चेंज्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टॉक्स स्लंप ठीक है सो डू नॉट एक्सपेक्ट आई हैव सेट दैट दिस रेलवे स्ट्रक्चर इज गोइंग टू गो अप सो इट विल गो अपडी नो वन कैन स्टॉप इट नो इट्स नॉट लाइक दैट सो वैन एवर यू ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट यू हैव टू सी द होल पिक्चर ऑफ द मार्केट द फर्स्ट एंड ओनली इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉट गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग टू वर्ड दिस स्टॉक प्राइस ठीक है इस कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव करे हैं फर्टिलाइजर्स है सब्सिडी आई या नहीं आई है कौन कौन से फर्टिलाइजर सब्सिडी इज इज इट बिकॉज ओनली डीएपी जो बना रहे यूरिया बना रहे केवल उन्हीं को मिलेगा या एग्रोकेमिकल्स जो बाकी हैं उनको भी मिलेगा सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछली साल में बजट में आपको ज्यादा एलोकेशन हुआ था बट इस साल में बजट एलोकेशन बहुत कम है इसका मतलब क्या है पिछली साल वो कह रहे थे कि भाई हम एक हजार रुपए देंगे आपको इस एक हजार में बिल्डिंग बना लो जो बनाना बना लो इस साल कह रहे हैं हम आपको केवल चार सौ देंगे पैसा है नहीं हमारे पास सो वॉट डज दैट मीन इट मीन railway infrastructure has taken a back seat so if it has taken a back seat what has taken a front seat so this entire money is going to get diverted from railway infrastructure to that particular sector which has taken a front seat from railways so that is why people will shift from these railway structures and go into the other sector so that is why government initiatives government news are very important in the market okay so okay uh, that's it for now i'll I have uh, told you enough things of my stocks and uh, last time i'm giving another disclaimer that uh, i'm not a savi registered investment advisor so please do not uh, think that these are the investment advices or i'm not recommending to buy sell or hold if you make any loss out of it that loss would be limited to you and you only and i will not be held responsible for anything these are only for your information and for your uh, knowledge that uh, this is how I have, uh, this is how I think and do value investing. And this is what I have done investment in my 2023. And it has feared me very well. Okay. Sir. And uh, so that's it from my side, sir. And uh, आई uh, होप uh, आप लोगों ने मेरा वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग वाला वीडियो देखा होगा सो द मेन रीजन फॉर मी टू कवर दिस वीडियो इज बिकॉज आई टू टेल यू दैट वेल्थ क्रिएशन कैन ओनली बी डन थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं मैंने एटी फोर ,00 लैख इन्वेस्ट कर दिया अब मैं एटी फोर लैख इन्वेस्ट करके एक साल तक तो बैठा नहीं रह सकता मेरा ये जो एसेट है ये मेरा एसेट है दिस इज माई एसेट क्लास अब ये एसेट

I can uh, invest this amount into F, uh, FDs हो गया. Apart from that, I can invest in gold. I can invest in other things. I can invest in property, commercial property, rent पे ले सकता हूँ. Anything I can do. ठीक है. So ये सारी चीजें मैंने value investing versus trading वाली मेरी videos में काफी brief में cover करी है. The only thing what I am telling, trying to tell you is that this is my asset. This is my present value. So, this is my wealth creation for this year. अब ये तो हुआ कि भाई मैंने साल में इतना पैसा लगाया और ये कर रहा हूँ. अब जो मैंने पूरे साल 2023 में मैं क्या करूं मेरा घर का खर्चा चलना है मेरे पास जितना जमा पूंजी थी वो सब मैंने यहां लगा दी अब मेरा घर का खर्चा चलना है ये तो मेरा एसेट था वो सारी मेरी क्या है लायबिलिटीज है अब भैया मैं लायबिलिटीज को कैसे पूरा करूं मुझे घर का खर्चा भी तो चलाना है व्हाट आई एम सपोज़ टू डू आई एम सपोज़ टू डू दिस दैट आई प्लेज दीस स्टॉक्स आई प्लेज दीस स्टॉक्स बाकी काफी सारे हैं जो प्लेज नहीं होते जैसे कि इट इज नॉट इट इट इज नॉट गेटिंग प्लेड एंड अदर्स आल्सो तो डोंट गेट प्लेज काफी सारे हैं जो प्लेज हो जाते हैं और आपको अच्छा खासा मतलब कि अगर 25 30%, 20 काट कर ये आपको अमाउंट एक दे देते हैं विच यू मार्जिन ना हाउ डू यू मीट योर लाइबिलिटीज बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड योर एसेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बाय प्लेजिंग यू विल गेट सम मार्जिन एंड दैट मार्जिन यू डू फ्यूचर एंड ऑप्शन

Not possible. ये जो फ्री स्ट्रैटेजीज वाले है ना ये ही आपको ये चीजें बताएंगे जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया इयरली पी एन एल का उसमें मैंने आप लोगों को बताया अगर स्विमिंग सीखनी है तो कहां जाएंगे स्विमर के पास नॉन स्विमर के पास जाएंगे तो डूब जाएंगे सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू पिक योर स्विमर वाइसली ठीक है So remember these things. FNO is not a halwa. FNO is only to meet your day-to-day -day liabilities. FNO can only augment your wealth. Investing can only create your wealth. With this, sir, uh, I would like to summarize my uh, this entire topic. I hope you understood what is the difference between value investing and how I pick my uh, investment. स्ट्रैटीज हाउ आई पिक माई स्टॉक्स वॉट डू ऑल आई सी एंड आई होप आई होप आई एम आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको काफी इंसाइट मिला होगा कि हाउ टू थिंक अबाउट अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग पर से सो लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग डू नॉट रर्न बिहाइंड एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग ठीक है सर अगर एक साल में मैं एफएनओ नहीं करता जिसमें मैं ऑलरेडी अपने कैपिटल का चालीस या 42 45 परसेंट कमा चुका हूं मेरा ईयरली पीएनएल मैंने दिखाया है ठीक है सो अगर मैं वो कर चुका हूं सो so, ये मेरे को ऑलरेडी दे चुका है ठीक है अगर मैं वो ना भी करता तो भी थर्टी फाइव परसेंट इज मोर देन इनफ मोर देन इनफ ठीक है सो अगर एफ नहीं होता है तो मत भागी सर ट्राई वैल्यू इन्वेस्टिंग लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग चीजें पढ़िए सीखिए ठीक है, है That is also going. That is that is the only thing which is going to help you in your future. अगर आप कैश लेकर आएंगे और पूरा का पूरा एफ करते रहेंगे आई विल नॉट रिकमेंड ठीक है नहीं हो पाएगा एक दिन आएगा धीरे 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 करके ये सारा कैश इसके एफ में लॉस में चला जाएगा ठीक है so, सो This is how I trade, and that is how I have learned. That is how I have become a profitable trader, and that is what I am trying to teach you ki how to become a profitable trader. Theke, sir? So uh, that's it, sir. Uh, and uh, I hope that this video till the last. Dekha hoga. And ab jo aapke doubts ainge, those would be genuine, and I'll be happy to uh, clear those doubts as well. So before we sign off, there is this is a last disclaimer that I am not a SEBI registered investment advisor, and I don't i have not uh, recommended to buy sell or hold any stock which i have mentioned here these all stocks i have picked up as per my own knowledge as per my own techn technical analysis and as per my own fundamental knowledge and as per my own uh, knowledge towards the chart patterns candlestick patterns and everything okay whatever this uh, chart patterns i have given in my channel also those are also not the investment advisors because i always follow the disclaimer behind those uh, chart patterns okay sir please do not uh, these these things should this portfolio or these stocks should not be construed as an investment advice because they are not okay these are all my personal choices and personal things you uh, these are only for educational purposes okay sir okay then uh, thank you very much sir and uh, hope you have liked it liked my video and if you really, uh, really liked it please like comment and share and subscribe my channel for more such upcoming videos okay thank you very much sir and uh, have a good day